मुझे मर्दों से सख्त नफरत है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। सर मैं यही सोच रही हूँ कि इसकी आपको क्या जरूरत है। आपको तो पता है कैसी कैसी जगह पे प्रोग्राम करने जाना पड़ता है आत्म सुरक्षा के लिए। जी मैं दिल्ली से हूँ, बस पिछले हफ्ते ही मुंबई आई। बहुत अच्छी लड़की है, मैं इस लड़की के लिए कुछ जरूर करूँगा। आजकल स्टेज शो में भजन की जगह आप फिल्मी गाने गाते हो, बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होते जा रहे हो। नमस्ते भाभी जी। अरे पागल, तुझे किसने कहा कि वो तेरी भाभी है? घर के सारे नौकर, दूध वाला, सब्जी वाला, आपके सारे सागिर्द। और अगर आंटी जी को पता चला ना तो आपकी तो बैंड बच जाएगी सर। देखो तुम दोनों को एक बात बता रहा हूँ, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। मुझे जब से हुआ है प्यार, आंखों में है सपने हजार, सब कहते हैं मेरे यार कि दिन मेरे बदल गए। तो पता चला आप तो बहुत काम के आदमी हो, आधा समय अपनी बीवी को देता है, आधा समय अपनी रखेल को। बकवास बंद करो, वो मेरी स्टूडेंट है। अच्छा तो ये है आपकी रखेल, तभी कहूँ कि आजकल घर टाइम से क्यों नहीं आते हैं। जिसने पति पे कब्जा कर लिया, बंगले पे कब्जा करके बैठी है, चुड़ैल है चुड़ैल। अरे वो मेरी स्टूडेंट है। अरे साइको ये, पागल है ये। इस हरामखोर मर्द ने मुझे साइको बोला? अरे मर्द, ये मर्द ही नहीं है, है? ओफ यू मां, मैं अपने नेचर से परेशान हो गया हूँ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा इसमें। अरे बर्बाद तो मैं हो गई, दुनिया के सामने तुम्हें नंगा कर दूंगा, याद रखना। ये जो जसलीन को घर में रखा है ना मैंने, ना मैं उसको घर में रख सकता हूँ और ना मैं उसको घर से निकाल सकता हूँ। क्यों सर, घर में आपका पुराना रिकॉर्ड कुछ खराब है क्या?